ये जो कलेक्शन है वो मुगल से इंस्पायर है, और इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उसके रिवाइवल के लिए है। इंडियन हैंडलूम और वीवर्स जो हैं वो उनको प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि हैंडलूम को हम लोग भूलते जा रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्मृति ईरानी और इंडिया के सारे बड़े डिज़ाइनर्स, हम सब साथ मिलकर इंडियन हैंडलूम के रिवाइवल के लिए, फिर से उसके उसको लोकप्रिय बनाने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। और हमने इंडियन मैंने अपने इस कलेक्शन में 90% 90% हैंडलूम यूज़ किया है, हैंडलूम का उपयोग किया है। और जैसा कि मैं हर एक बार करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरा कलेक्शन जो है वो आपको इंडियन इंडियन तो दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ आज का इंडियन दिखेगा। आज का यूथ जो है, आज का युवा जो है, वो युवा वर्ग खास करके उसको पसंद करता है। और आपके इस ऑनलाइन न्यूज चैनल, जिसका जो कि कोसी का बिहार का एक टॉप न्यूज चैनल है, ऑनलाइन न्यूज पेपर है, जिसकी रीच जो है, जिसकी पहुंच जो है वो काफ़ी दूर तक है, तो उसके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इन हैंडलूम जो है वो काफ़ी अच्छा है आपके स्किन के लिए भी, और काफ़ी वो आरामदायक है, कंफर्टेबल है। तो हैंडलूम जो है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए। आपके वार्डरोब में चार पांच तो होने ही चाहिए कपड़े हैंडलूम के अच्छे, कम से कम पांच आउटफिट अगर आपके पास डेली यूज़ में, अगर आपने 10-15 आउटफिट रखे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो वार्डरोब है उसमें कम से कम 40-50% अगर आप हैंडलूम के कपड़े रखें, और काफ़ी फैशनेबल है, इट्स वेरी ट्रेंडी एंड सीक, इशिल सी ऑल बॉलीवुड स्टार एवरीवन नाउ डेज इज़ अ बिग ट्रेंड। सो ये जो है ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है अभी, और हम सबको इसके लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। अपना खादी जो है, बाकी और हैंडलूम जो है, भागलपुर के भी सिल्क जो है, या फिर आंध्रा का हो या फिर ओडिशा का हो, तो सारे इंडियन डिज़ाइनर हम लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड एक्टर राहुल देव भी अपने बिजी शेड्यूल में कल ही वो मुंबई से यहाँ आए, और फिर उनकी शूटिंग है तो कल ही वो यहाँ से वापस भी चले गए। तो काफ़ी सारा काम हो रहा है, और हम लोगों को इस पे और काम करना है। आप देखेंगे कि हैंडलूम को यूज़ करके जो आउटफिट्स, जो कपड़े बनाए गए हैं, गारमेंट्स जो बनाए गए हैं, लुक्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये आपको फ्यूजन लुक लगेगा। ये अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न जो है वो जैकेट्स जो है वो है, इंडियन लहंगा है, और अंदर उसके अंदर जो है सो लहंगा और चोली है, या फिर अनारकली है, तो ये एक फ्यूजन जो है वो क्रिएट किया मैंने किया है, जैसे कि आजकल का युवा वर्ग जो है खासकर वो काफ़ी पसंद कर रहा है। और ये जो कलेक्शन है इसका नाम है कामशा। कामशा जो वर्ड है उसका शब्द का जो है वो मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। तो दो जो ये जो आजकल का युवा वर्ग है, जिसको कि पश्चिमी सभ्यता जो है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और लेकिन हम भारतीय तो हैं ही, हम भारतीय ही रहना चाहते हैं, तो दोनों जो है उसके बीच को वो एक सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, वो मेरा ये जो कलेक्शन है वो यह बतलाता है कि
और इसलिए ये फ्यूजन इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स मैंने क्रिएट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर और कुछ जानकारी राकेश जी आपको चाहिए तो मैं फिर अगर आप मैसेज करें मैं आपको दूंगा। राहुल देव जी का वीडियो क्लिपिंग है वो भी मैं आपको भेजूंगा जल्दी, जो कि आप अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं मधेपुरा टाइम्स को शुभकामनाएं दूंगा, काफ़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जो है ये जो आंदोलन चल रहा है, एक तरह से आप इसको आंदोलन कह सकते हैं, हैंडलूम के रिवाइवल के लिए, पुनर्स्थापना के लिए ये जो चल रहा है, इसमें आप अपना सहयोग दें। और सब सुनने वाले पढ़ने वाले जो लोग हैं उन सब से मैं आग्रह करूँगा कि आप हैंडलूम को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम फैब्रिक जो है उसको अपने वार्डरोब में जगह दें, डेली यूज़ में आप उसको इस्तेमाल करें। ये काफ़ी अच्छा है, फैशनेबल है, स्किन के लिए अच्छा है और आप सबों के लिए अच्छा है। थैंक यू। हेलो राकेश जी, मधेपुरा टाइम के सभी आपके जो पाठक हैं उनको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑनलाइन चैनल जो आप वहाँ पे चला रहे हैं ये काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी एक सराहनीय प्रयास है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे जो आपके पढ़ने वाले हैं, जो आपके वीडियो देखने वाले हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।